आज पहले मैं सब साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूं। जिन मित्रों ने, जिन लोगों ने जहां से हमारा सहयोग दिया है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। आज महाशिवरात्रि है, हमारे सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ा महापर्व मनाया जाता है। आज इस पर्व के अंदर हमें बहुत खुशी हुई, जो यहाँ के कश्मीर के लोगों की खासकर जिन्होंने हमारा इतना सहयोग देते हैं यहाँ पे। और आज हमें सुबह शिवरात्रि के ऊपर रुद्र अभिषेक भी की करवाया जहाँ पे, उसके बाद हवन करवाया, जिसके कि कारण जहाँ पे कोई भी पिछले दिनों में जितना कोई नुकसान हुआ है, किसी कई माओं के बच्चे चले गए, बहनों के भाई चले गए, उन सब के लिए हमने आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। महाशिवरात्रि के हवाले से बताइए, दिन क्या है, इसके हवाले से बताइए। महाशिवरात्रि जिस दिन संसार के अंदर सृष्टि की रचना हुई, उस दिन से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि जो दिन और रात जब बराबर के होते हैं, उस दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ये शंकराचार्य में खासतौर पर मनाई जा रही है, तो शंकराचार्य की थोड़ी सी आदि शंकराचार्य जयंती अभी 17 मई को आएगी। सब पहले तो सभी को हैप्पी शिवरात्रि, बहुत अच्छा फील हो रहा है आज यहाँ पे, मतलब शिवरात्रि के दिन शंकराचार्य मंदिर में आके। मैं महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और ये बताएं, आज शिवरात्रि है और कश्मीर आके आपकी शिवरात्रि मनाई, तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छी खुशी महसूस होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्या बताएं, अच्छा लग रहा है। तो शंकराचार्य आके किलोमीटर है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो आज यहाँ पर बारिश भी हो रही है, तो क्या लगा है, मतलब कितना फर्क है किलोमीटर? अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है भगवान की देन है आज, वो भी चाहते बारिश, बारिश के जरिए आशीर्वाद देना चाहते हैं। बस थैंक यू। कुछ खास दुआएं रहेगी? दुआएं, दुआएं सबके लिए करूंगी, बस सारे खुश रहे, हैप्पी रहे और सुखी रहे, किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम दिक्कत ना हो।